सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफा वसलाम अला इबादिही الذين اصطفى, अम्मा बाद, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا, وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد, يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم, صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, الدعاء سلاح المؤمن, وصدق رسوله النبي الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. محبت سے درود پاک پڑھ لیجئے. अल्लाह तबारक व तआला हमारे दुरू शरीफ पढ़ने को कबूल फरमाए, और अल्लाह ताला हमें दुरू शरीफ पढ़ते रहने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाए. अगर कोई शख्स ये चाहता हो कि मेरी बड़े पैमाने पर आखिरत की तैयारी हो जाए, मेरा वक्त वसूल हो जाए, मेरा पैदा करने वाला रब, मेरा खालिक, मेरा मालिक, मेरा पालनहार, मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी हो जाए, उसको चाहिए कि दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े. क्योंकि हमारे नबी ताजदार मदीना फ़ख्र दो जहां सैयदुल अरबी वल अजम हज़रत अक़दस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के महबूब हैं, अल्लाह के प्यारे हैं, आप अल्लाह के लाडले हैं, आप अल्लाह के दुलारे हैं. अल्लाह के बाद अगर किसी का मर्तबा हो तो वो हमारे नबी का मर्तबा है. यूँ फरमाया, बाद खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर. सीरत लिखने वाले सीरत लिखते लिखते थक गए, आपकी शान में बयान करने वाले बयान करते करते थक गए, आखिर में ये कहने पर मजबूर हो गए कि अगर अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो वो हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है. एक बात याद रख लीजिए, एक कायदा याद रख लीजिए, हमारे नबी अल्लाह के महबूब और हमारे नबी की नकल उतारने वाले ये भी अल्लाह के महबूब. जो शख्स हमारे नबी की नकल उतारता है, हमारे नबी की चाल चलन चलता है, हमारे नबी के तरीक़ों पर चलता है, सुन्नतों के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारता है, नबी वाली फ़िक्र, नबी वाला दर्द, नबी वाला गम, नबी वाली कुड़न अपने सीने के अंदर रखता है, पूरी दुनिया वालों के लिए अल्लाह के सामने तड़पता है, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए और जिन्नातों
दूसरों के लिए अपने अल्लाह के सामने तड़पता है। जो ईमान वाले दुनिया से चले गए उनके लिए ईसाले सवाब करता है, जो ईमान वाले मौजूद हैं उनके लिए दुआ करता है, जिनके पास ईमान नहीं है उन्हें अल्लाह हिदायत दे दें इसके लिए मेहनत करता है, कोशिश करता है। यूं फरमाया कि ये इंसान भी अल्लाह का महबूब है। हमारे नबी अल्लाह के महबूब और हमारे नबी की नकल उतारने वाले ये भी अल्लाह के महबूब और जितने भी अल्लाह के वली इस दुनिया से गुजरे हैं या जितने अल्लाह वाले हैं ये सब दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा एहतमाम करते थे। अक्सर बुजुर्गान दीन ने, अकाबिरीन ने, सलफ सालिहीन ने ज़ुबान हाल से इस बात को जिक्र फरमाया कि हमें जो मकाम और मर्तबा मिला है वो दुरूद शरीफ की बरकत से मिला है। मेरे और आपके पास भी एक जिंदगी है, एक मौका है और ये जिंदगी गुजर जाएगी, ये मौका खत्म हो जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं जवानी है इसमें खूब खेलो, अभी तो बचपना है खेल के गुजार दो। कुछ लोग कहते हैं जवानी एक ही मर्तबा मिली है इसको अय्याशी में गुजार दो, दोस्तों की मजलिसों में गुजार दो और क्रिकेट के शौक में गुजार दो और हीरों की और क्रिकेटरों की नकल उतारते उतारते गुजार दो, मोबाइल और इंटरनेट के पीछे गुजार दो और दोस्तों के साथ रात में चौराहे पर देर देर तक बैठ के गुजार दो, जवानी एक मर्तबा मिली है अय्याशी में गुजार दो। कुछ लोग कहते हैं बचपना एक मर्तबा मिला है खेल कूद के गुजार दो, कुछ लोग कहते हैं जवानी एक मर्तबा मिली है अय्याशी में गुजार दो। अल्लाह के आशिक और अल्लाह के वली लोग कहते हैं मेरे अजीज ये जिंदगी भी तुझे एक ही मर्तबा मिली है, इसको अल्लाह को राजी करके गुजार दो, जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। जो वक्त चला गया सो चला गया, वो तो रिटर्न आने वाला नहीं है। अभी जो वक्त चल रहा है उसकी कदर करो। मेरे अजीजों मैं ये अर्ज कर रहा था कि दुरूद शरीफ पढ़ने वाले अल्लाह के महबूब है। दुरूद शरीफ पढ़ो इस बात का अल्लाह ने हुक्म दिया है। और हमने देखा कि बच्चा जब तक अपने बाप की बात मानता है वो वालिद साहब का प्यारा और दुलारा होता है, तो जब तक बंदा अपने अल्लाह की बात मानता है तो वो अल्लाह का वली होता है। जैसा कि अभी फरमाया अल्लाह को राजी करो इबादत के जरिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करो इताअत के जरिए और मखलूक को खुश करो खिदमत के जरिए, बिल्कुल सही बात है। अगर अल्लाह भी राजी हो और प्यारे नबी भी राजी हो और अल्लाह की मखलूक की खिदमत भी कर ली जाए तो वो बंदा अल्लाह का दोस्त बन जाता है, अल्लाह का वली बन जाता है। हम समझते हैं अल्लाह का वली बनना बहुत हार्ड है। दुनिया का सबसे आसान काम अल्लाह का वली बनना है, दुनिया का सबसे आसान काम। और मुझे लगता है कि एक इंसान 10 सेकंड में अल्लाह का वली बन सकता है। हम वली के लफ्ज को थोड़ा सा हाइपर कर देते हैं, हाई लेवल कर देते हैं। ओ वली ये तो अल्लाह वालों की बात है, हम तो कहाँ हाफिज है, हम कहाँ आलिम है, हम तो गुनहगार इंसान, हम तो जाहिल इंसान, हमें तो कुछ आता नहीं है, हम कहाँ अल्लाह के वली बन सकते हैं। मेरे अजीजों वली कहते हैं दोस्त को। मेरी किसी से दोस्ती हो गई तो मुझे यूं कहेंगे कि मैं फुला आदमी का वली हो गया। बात क्या है का मेरी उससे दोस्ती हो गई, हमारी दोस्तों की कंपनी से हमारी दोस्त होती है तो यूं कहेंगे कि ये इन कंपनी वालों का वली हो गया, इन कंपनी वालों का दोस्त हो गया। अरे किसी के साथ दो दिन चाय पीने जाते हैं उससे दोस्ती हो जाती है तो दोस्त को वली कहते हैं। तो यूं फरमाया जो अल्लाह का दोस्त हो जाए उसको अल्लाह का वली कहते हैं। अल्लाह को माने, अल्लाह की माने, प्यारे नबी को माने, प्यारे नबी की माने। अच्छा अल्लाह का वली बनने के लिए क्या करें? 10 सेकंड से कम में इंसान कैसे अल्लाह का वली बन सकता है? सच्चे दिल से पिछली जिंदगी पर अफसोस कर लें, सारे गुनाहों से माफी मांग लें, जुबान की भी जरूरत नहीं है, दिल ही दिल में नादिम हो जा, शर्मिंदा हो जा, अन्नदमु तौबा और कह दे अल्लाह पाक मैंने आज तक की जो जिंदगी गुजारी है गफलत में गुनाहों में आपको नाराज करके अल्लाह पाक सॉरी मैं माफी चाहता हूं, आइंदा आपको राजी करके जिंदगी गुजारूंगा, आइंदा आपको राजी करके जिंदगी गुजारूंगा।
और फिर गुना हो जाए फिर तौबा कर ले, फिर गुना हो जाए फिर तौबा कर ले, फिर गुना हो जाए फिर तौबा कर ले। एक दिन में वही गुना 1000 मरतबा हो जाए, शैतान 1000 मरतबा उस गुना को तुड़वाते हुए न शर्माए, तो 100 मरतबा हम अल्लाह से सॉरी कहते हुए भी न शर्माए। हाँ, हम पक्की नीयत से अल्लाह पाक अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, बारी ताला अब मैं ये गुनाह नहीं करूंगा, फिर हो जाए फिर तौबा, फिर अल्लाह मैं ये नहीं करूंगा, फिर किसी वजह से हो जाए फिर तौबा। जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, जो नाकाम होता रहे उम्र भर भी, बहरहाल कोशिश तो आशिक न छोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखें, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखें। जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े। तौबा करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है, इन्नल्लाहा युहिब्बुत्तव्वाबीन, बेशक तेरा अल्लाह जो है ना वो तौबा करने वालों को पसंद करता है, तौबा करने वाले को महबूब रखता है। कुछ किस्म के लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के बड़े प्यारे हैं, एहसान करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह पाक को एहसान करने वाले लोग बहुत पसंद है, तौबा करने वाले अल्लाह को बहुत पसंद है। इन्नल्लाहा युहिब्बुत्तव्वाबीन, तौबा करने वाले को अल्लाह दोस्त रखते हैं, अल्लाह पसंद फरमाते हैं, अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं। यूं फरमाया, सबर करने वाले ये भी अल्लाह को बहुत पसंद, वल्लाहु युहिब्बुस्साबिरीन, अल्लाह ताला सबर करने वालों से मोहब्बत फरमाते हैं। तो मेरे अजीजों, अल्लाह जिनसे मोहब्बत फरमाते हैं हम वो काम करें, हम सबर करना सीखें, सबर करने वालों से अल्लाह को प्यार, हम शुक्र करना सीखें, शुक्र करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, हम तवाजू सीखें, तवाजू करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, हम लंबी लंबी नफलें पढ़ना सीखें, लंबी लंबी नफलें पढ़ने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, कसरत से इस्तिगफार करें, इस्तिगफार करने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, दुरूद शरीफ का अहतमाम करें, दुरूद शरीफ पढ़ने वालों से अल्लाह मोहब्बत फरमाते हैं, कुरान शरीफ पढ़ें मोहब्बत की जुबान से पढ़ें, ध्यान के साथ पढ़ें कि ये जो मैं पढ़ रहा हूँ मेरा अल्लाह सुन रहा है, मैं अपने अल्लाह को, अपने खालिक को, अपने मालिक को, अपने पालनहार को सुना रहा हूँ। अपने आप से कहें कि जब तू पढ़ता है ना तेरा अल्लाह ज़रूर सुनता है। सिर्फ कुरान की बात नहीं है, हम जुबान से जो भी जुमला निकालते हैं वो अल्लाह सुनते हैं। यूँ फरमाया, जिस इंसान को इस बात का यकीन हो जाए कि मेरा अल्लाह मेरी हर बात गौर से सुनता है, वो इंसान अपनी बातें किसी और को नहीं सुनाया करता, अपने दुखड़े किसी और को नहीं सुनाया करता, अपनी परेशानियां और अपनी तकलीफ की बातें और अपनी मुसीबतें और अपने हालात किसी और से शेयर नहीं किया करता, वो तो अपनी बातें अल्लाह से शेयर किया करता है, वो तो अपने दुखड़े अपने अल्लाह को सुनाया करता है। एक बात याद रखना, मुसीबत जो है ये तज़किरा करने से बढ़ जाती है, परेशानी तज़किरा करने से बढ़ जाती है, और सब्र करने से आहिस्ता 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 ख़त्म हो जाती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत, यूं फरमाया कि सब्र है। जिस इंसान के पास सब्र हो उसको न कोई गिरा सकता है, उसको न कोई हरा सकता है, क्योंकि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अरबी का एक मकौला है, अस्सबरु शजरा, के सबर तो एक ऐसा दरख्त है, व समरुहा हलवन, जिस पर लगने वाले फल मीठे ही हुआ करते हैं। सबर के दरख्त पर कभी भी कड़वे फल नहीं आते। इसलिए मेरे अजीजों, असल चीज़ है तौबा करना, गुनाहों से बचना। गुनाह की मिसाल जो है वो खुजली की तरह है। आपने देखा होगा मीठी खुजली आती है, दिल बहुत करता है इसको खुजाल लिया जाए, लेकिन मेरे अजीजों अगर खुजालोगे ना 2 मिनट के बाद वहाँ पर लहू शुरू हो जाएगा, जलन और बढ़ जाएगी, तकलीफ़ और बढ़ जाएगी, थोड़ी देर के बाद फिर मीठी खुजली आएगी। अकलमंद वो है जो इसको खुजाले नहीं, पाउडर लगा दे इस पर, ऐसे हाथ फेर दे इस पर, लेकिन इसको खुजाले नहीं। बिल्कुल यही बात है गुनाह की। यूं लगता है कि अभी मैं ये गुनाह करूंगा ना लज्जत मिलेगी,
मजा आएगी, नफ्स को सुकून आ जाएगा। मेरे अजीज सुकून नहीं आएगा तो और बेचैन हो जाएगा और परेशान हो जाएगा। खुदा की नजर रहमत से तू और गिरेगा। और याद रखना, एक गुनाह दूसरे गुनाह को दावत देता है, दूसरा गुनाह तीसरे गुनाह को दावत देता है। पहाड़ से इंसान फिसलता है, नीचे गिर जाता है। पहाड़ पर चढ़ने में मेहनत लगती है, उतरने में कोई मेहनत नहीं। घर बनाने में मेहनत है, तोड़ना हो तो कोई मेहनत नहीं। बस्तियों को आबाद करने में मेहनत है, बस्ती को तोड़ना हो उजाड़ना हो फरमाया कोई मेहनत नहीं। इस तरह नेक बनना हो, अल्लाह का बनना हो, अल्लाह को राजी करना हो, नेकी का काम करना हो, उसके लिए तो मेहनत है। अगर अल्लाह को नाराजी करना है, अगर अपनी कब्र को और अपनी आखिरत को अगर बर्बाद ही करना है, अगर पुलसरात को और आखिरत को भूलकर ही जिंदगी गुजारना है, उसके लिए कोई मेहनत नहीं है। नेक बनने के लिए मेहनत है, गुनहगार बनने के लिए नहीं। दीनदार बनने के लिए मेहनत है, अल्लाह को राजी करने के लिए, अल्लाह से सुलह करने के लिए मौलाना साहब मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे अजीज पैसा कमाने के लिए भी मेहनत है, चाय पीने जाने के लिए भी मेहनत है, खाना बनाने के लिए भी मेहनत है, दुकान का माल खरीदने के लिए भी मेहनत है, दुकान का माल बेचने के लिए भी मेहनत है, एक टोपी खरीदने के लिए भी मेहनत है, चश्मे की फ्रेम खरीदने के लिए भी मेहनत है, जूते को खरीदने के लिए भी मेहनत है, कपड़े को सिलवाने के लिए मेहनत है। क्या वो अल्लाह का बनने के लिए कोई मेहनत नहीं है? फरमाया मेहनत है। थोड़ा सा इंसान दिल पर ले ले, एक ही मौका है, एक ही जिंदगी है। हमारे कई रिश्तेदार, हमारे कई दोस्त अहबाब कब्रिस्तान की जीनत बन चुके हैं। हमें यूं लगता है कि यार मेरे बगैर मेरा घर कैसा चलेगा, मेरे बगैर मेरी दुनिया कैसे चलेगी। अरे उन लोगों को देख ले जो दुनिया से चले गए, उनके बगैर दुनिया कैसी चल रही है। जब तू चला जाएगा तेरे बगैर भी दुनिया ऐसी चलेगी। हमारे परदादा के जमाने में दुनिया इतनी अपनी आबोताब के साथ जाहिर नहीं हुई थी, हमारे अब्बा के जमाने में और रौनक के साथ आई, हमारे जमाने में और रौनक के साथ आई, हमारे बच्चों के टाइम पे और अच्छी होगी। हम में से हर एक सोचे हमारे परदादा के टाइम पे हम किस मकान में रहते थे, दादा के टाइम में कितना अच्छा मकान हो गया, अब्बा के टाइम में कितना अच्छा हो गया, हमारे टाइम में कितना अच्छा हो गया। खाना अच्छा, मकान अच्छा, सवारी अच्छी, दुनिया की फरावानी अच्छी, दुनिया की जेबो जीनत अच्छी। हमारे जाने के बाद हमारे बच्चों और हमारी फैमिली के पास और अच्छी चीजें आएगी और अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह उन्हें मोहताज नहीं कर देगा, अल्लाह उन्हें लाचार नहीं कर देगा, अल्लाह पाक उन्हें मजबूर नहीं कर देगा। जिसके दिल में यह बात हो कि मैं अपने बच्चों को खिलाता हूं, जरा वो उनकी तरफ देख ले जिनके बाप का इंतकाल हो चुका है और वो लाखों की तादाद में बच्चे यतीम है दुनिया में, आज उन यतीमों को कौन खिलाता है। अगर किसी के दिल में यह बात आए कि मैं अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को खिलाता हूं, जरा उन लाखों बेवाओं को भी देख ले जिनके शौहर आज कब्रिस्तान की जीनत बन चुके हैं, आज अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। उनकी औरतों को, वो जो बेवा औरतें हैं उन्हें कौन खिलाता है। जिस तरह यतीम बच्चों को अल्लाह खिलाता है, बेवा औरतों को अल्लाह खिलाता है, परेशान हाल लोगों को अल्लाह खिलाता है, सारी दुनिया वालों को अल्लाह खिलाता है, जो दुनिया में पागल लोग हैं उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, जो आईसीयू रूम में सोए हुए हैं उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, जो हाथ और पैर से मजबूर है, लाचार है, उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, जो नाबीना लोग हैं उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, जो बोलना नहीं जानते गूंगे बहरे लोग हैं उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है, जो मुस्तकिल बीमारियों का शिकार है उन्हें कौन खिलाता है, अल्लाह खिलाता है। अरे मुझे और आपको कौन खिला रहा है, अल्लाह खिला रहा है। अल्लाह की कुदरत तो देखो, माँ की छाती में दूध नहीं आ रहा है, माँ की छाती में दूध नहीं आ रहा है, इधर बच्चे की पैदाइश हुई उधर उसकी छाती में दूध उभर आया। अल्लाह बता रहा है, देख यहां बच्चे को भेजा है, दूसरी तरफ तेरे रब ने उसके रिस्क का इंतजाम किया। रिस्क देने वाली जात सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की है। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक ذل قوة المتين, रिस्क देने वाली जात अल्लाह की है। खुदा तो रिस्क देता है कीड़ों को पत्थर में, ए इंसान तू क्यों परेशान है, हीरे मोती के चक्कर में, उड़ा जा आसमां में या फिर लगा गोता समंदर में, तुझे इतना ही मिलेगा जितना लिखा है तेरे मुकद्दर में, मुकद्दर से ज्यादा और वक्त से पहले किसी को मिलता नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अगर कोई दुनिया में नकद मालदार बनना चाहता है,
माला माल होना चाहता है वो अपने माँ बाप की कदर करें, उनकी खिदमत करें, उनका एहतराम करें। तफसीर की किताबों से ये बात साबित होती है कि जो अपने माँ बाप की खिदमत करता है अल्लाह उसे दुनिया में नकद माला माल करता है, अल्लाह उसकी दुनिया बनाता है, अल्लाह उसकी आखिरत बनाता है। बुखार चेक करने के लिए मशीन है, प्रेशर नापने के लिए मशीन है, शुगर चेक करने के लिए मशीन है। अल्लाह खुश है या नाराज़ है इसे चेक करने के लिए कोई मशीन है? फरमाया हाँ हाँ हाँ, तेरे माँ बाप है वो देख ले, अगर वो खुश है तो फिर तेरा अल्लाह भी तुझसे खुश है, और अगर तेरे माँ बाप तुझसे नाराज़ है तो फिर तेरा अल्लाह भी तुझसे नाराज़ है। एक शख्स की अम्मा का इंतकाल हो गया, उनकी अम्मा अल्लाह को प्यारी हो गई, उसने अजीब बात कही, अपनी माँ के पास जाकर बैठा करो, अपनी माँ से मिलने जाया करो, अपनी माँ के लिए वक्त निकाला करो, अपनी माँ के पास बैठना गनीमत समझो। दर्द भरे अंदाज में उसने कहा कि मुझे पूछो, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है, मुझे अपनी माँ से मिलने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़ता है। एक शख्स के वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने कहा अपने वालिद साहब की एक आवाज़ पर फौरन हाजिर हो जाया करो, चूँकि मेरे वालिद साहब दुनिया से चले गए हैं तो उनकी आवाज़ में अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान आज तरस गए, उनकी आवाज़ में अपना नाम सुनने के लिए मेरे कान आज तरस गए। इस आजिज से अल्लाह पाक ने एक दिन पहले एक छोटी सी किताब लिखवाई है, 200 कीमती नसीहतें, उम्मीद है इंशाल्लाह वो मंजर आम पर आ जाएगी एक हफ्ते के अंदर। उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है, 200 कीमती नसीहतें, माँ की कदर करो, बाप की कदर करो, माँ बाप का दिल जीत लो कामयाब हो जाओगे, वरना सारी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। माँ बाप को बोझ ना समझो, माँ बाप को तकलीफ ना दो, माँ बाप के सामने ना बोलो, बर्दाश्त कर लो यार, उनके गुस्से को बर्दाश्त कर लो, उनकी सख्ती को बर्दाश्त कर लो। क्या हमारा बुढ़ापा नहीं आने वाला? क्या हमारे बच्चे जवान नहीं होने वाले? जैसा सुलूक हम अपने माँ बाप के साथ करते हैं वैसा ही सुलूक हमारी औलाद हमारे साथ करेगी। जो माँ बाप हमारे लिए रात दिन एक कर देते थे, वो बाप जिसने अपनी सारी जवानी लगा दी कि मेरा बच्चा जवान हो जाए, उसने पसीने की शराबोर में अपनी सारी जवानी लगा दी, हम थोड़े से जवान होकर उसी माँ बाप के सामने आज बोलते हैं। कितने लोगों के फ़ोन आते हैं, मौलाना उस वक्त दिल हिल जाता है, मौलाना साहब 2.5 साल हो गया हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है, कुछ पढ़ दो, कुछ दम कर दो। मैंने कहा भाई मैं कोई आमिल नहीं हूँ। अरे मौलाना कुछ पढ़ने का बता दो, अक्कल कड़ा आता है उस पर कुछ पढ़ के दम कर दो, हम बेचैन हैं, हम परेशान हैं, हमारा बच्चा बोल नहीं रहा है। उस वक्त दिल जलता है कि माँ बाप बच्चा बोलता हो जाए, मेरा बच्चा सही बोलना सीख ले। इसके लिए माँ बाप इतनी कोशिश करते हैं, और ये बच्चा जवान होकर इस ज़ुबान की ताकत को उसी माँ बाप के सामने आजमाता है और अपनी आखिरत को बर्बाद करता है। क्या वो अपनी मौत भूल गया, अपने अल्लाह से मुलाकात भूल गया, पुल सिरात पर से गुजरना है वो भूल गया, वो क्या घड़ी होगी और वो क्या मंजर होगा और वो क्या वक्त होगा हम जब अपने अल्लाह के सामने खड़े होंगे और हिसाब किताब चल रहा होगा और उसमें यूं लिखा हुआ होगा कि फुला वक्त तुमने अपने माँ बाप के सामने बोला था, फुला वक्त तुमने अपने माँ बाप का मुकाबला किया था। मेरे अजीजों, माँ बाप वो हस्ती नहीं जिन्हें भुला दिया जाए। अरे वो दुनिया से चले गए हैं, उन्होंने आपको अपने दिल के बहुत करीब रखा है, उन्होंने हजारों दफा आपको गोद में उठाया है, आपकी गंदगियों को साफ किया है, आपकी जुबान से कोई जुमला निकलता आपका बाप उल्टे पैर वापस जाता, वो फ्रूट लाकर दे देता, कभी ये पैसे दिए, आपका दफ्तर कौन लाया, वो स्कूल के चोपड़े कौन लाए, आपको मकतब में किसने भेजा, मकतब की फीस किसने अदा की, हम छोटे थे हमारे कपड़े कौन लाए, हमारी हाइट बड़ी फिर वो कपड़े कौन लाए, फिर हाइट बड़ी वो कपड़े कौन लाए। क्या कोई दिन याद है कि हमारे माँ बाप ने हमें भूखा सुला दिया हो और यूं कहा हो चल तू पार्ले जी और पानी खा ले और आज सो जा, हमारे पास कुछ नहीं है। उन माँ बाप से पूछना कितनी मरतबा वो माँ गोश्त की बोटी नहीं खाती है, अपने बच्चे को खिलाती है, और इस मौके पर वो माँ झूठ बोलती है कि बेटा बच्चा कहता है अम्मी आप खा लो, माँ को पता है गोश्त की बोटी चूंकि थोड़ी सी कम है, तो वो माँ कहती है बेटा अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले ही खा चुकी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, तू खा ले तू खा ले, अम्मी थोड़ी सी खा लो, ना ना बेटा मैं तो खा चुकी हूँ तू खा ले। वो माँ इस मौके पर झूठ बोल करके बाहर निकल जाती है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे अजीजों, आज मौका है, अगर माँ बाप है
उनकी कदर करो, उनकी खिदमत करो। ये खानका का पैगाम है कि हम अपनी इस्लाह करें, हम अल्लाह को राज़ी करें। आज हर कोई दूसरे की इस्लाह की फ़िक्र में लगा हुआ है, हर कोई दूसरे की इस्लाह की फ़िक्र में, इसीलिए इस्लाह नहीं हो रही है। इस्लाह मुआशरा का सबसे अहम पैगाम जो है वो अल्लाह हमें कुरान में देता है, या अय्युहल्लज़ीन आमनू, ए ईमान वालो। अल्लाह मुझसे भी खिताब कर रहा है, अल्लाह आपसे भी खिताब कर रहा है, अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ, जहन्नम की आग से बचाओ, तुम अपने आप को और अपनी फैमिली को जहन्नम की आग से बचाओ। ये इस्लाह मुआशरा का सबसे बड़ा सबक है कि अगर मैं सोच लूँ कि मैं कैसे जहन्नम से बचूँ, मेरी फैमिली कैसे जहन्नम से बच जाए, तो इंशाअल्लाह हमारा जहन्नम से बचना आसान हो जाएगा। बस्ती का हर फर्द अगर ये सोच ले, हर मर्द अगर ये सोच ले, हर मस्तूरात अगर ये सोच ले, तो ऑटोमेटिक पूरी बस्ती की इस्लाह हो जाएगी। इतने प्रोग्राम हो रहे हैं इस्लाह मुआशरा के, फिर भी जैसी इस्लाह होनी चाहिए वैसी नहीं हो रही है। वजह क्या है? मेरी अपनी गलती है। बोलने वाला सोचता है सामने वाले सुधर जाए, अपने तो नेकी है ना यार। अरे मेरे अजीज, सबसे बड़ा मसला तेरा है। अगर अल्लाह ने ये पूछ लिया कयामत के दिन, सिर्फ इतना बता दे, तूने इतने सब बयान किए थे, उसमें से वो कौन सा बयान है जिस पे तूने अमल किया? मेरे अजीज़ों, असल तो बोलने वालों का मसला है। जब मैं बोलता हूँ मेरे कान पहले सुनते हैं, आपके कान तो बाद में सुनते हैं। एक जगह बयान कर कर मैं नीचे आया, अल्लाह ने वहाँ काम की बातें अपने फ़ज़ल से कहलवाई, अपने करम से कहलवाई। एक बुज़ुर्ग से मैंने कहा, हज़रत कुछ नसीहत कर दो। कहने लगे, बेटा अभी जो तूने बयान किया है ना, वो अच्छा बयान हुआ है, तू उसी पर अमल कर लेना, उस बयान पे तू खुद अमल कर लेना। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि हकीकत में बोलना अपनी इस्लाह के लिए है, हकीकत में बोलना अपनी इस्लाह के लिए। मैं अपनी कब्र में जाऊंगा, आप अपनी कब्र में जाओगे। हमारे यहाँ ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, ये अल्लाह वाले, यार उसको क्या करोगे? वो अल्लाह वाले हमारी कब्र में नहीं आएंगे, हम उनकी कब्र में नहीं जाएंगे। जब हमें अपनी कब्र में जाना है, क्या वो अल्लाह वाले खाना खाते हैं? क्या हमारा पेट भर जाता है? क्या वो अल्लाह वाले कमाते हैं तो क्या हमारे पास पैसा आ जाता है? क्या वो अल्लाह वाले जिक्र करते हैं तो क्या हमें सुकून मिल जाता है? ना ना ना, वो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनको अल्लाह को हिसाब देना है, वो अपनी कब्र की तैयारी कर रहे हैं, हमें अपनी तैयारी करनी है। अल्लाह का वली बन के जाना है, उसका दोस्त बन के दुनिया से जाना है, उसका दुश्मन बन के दुनिया से नहीं जाना है। अल्लाह को राजी करके जाना है, अल्लाह से सुलह करके जाना है। इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम का सबसे बड़ा फायदा क्यों नहीं हो रहा है? बोलने वाला सोचता है सामने वालों की इस्लाह हो जाए, प्रोग्राम रखने वाले सोचते हैं बस्ती वालों की इस्लाह हो जाए, बस्ती के नेक लोग सोचते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो मसला ही नहीं है, हमारी बस्ती में जो गुनहगार लोग हैं ना वो सब सुधर जाए, वो सब तकवे वाले हो जाए। गुनहगार लोग सोचते हैं अभी तो जो नेक लोग हैं ना, अभी तो उनके घर का माहौल ठीक नहीं है, पहले ये अपने घर का माहौल ठीक कर ले। हर एक सोचता है दूसरा सुधर जाए, किसी की इस्लाह नहीं होती। जब हर एक ये सोच ले कि मेरी अपनी इस्लाह हो जाए, मैं सोचूं मेरी इस्लाह हो जाए, आप सोचें आपकी इस्लाह हो जाए, हम में से जितने बैठे हुए हैं हम में से हर एक यूं सोचे मैं सबसे कमतर हूं, दूसरे सब मेरे से बेहतर है। जिस मजलिस में भी चले जाओ अपने आप से एक दफा कहो, तू इन सबसे गंदा है, ये सब तुझसे अच्छे हैं। अगर दिल में यूं आया कि मैं इनसे अच्छा हूं, यूं फरमाया, इसी को तकब्बुर कहते हैं। उस्ताद हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के, शेख हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के, दीनदार लोग हर मौके पर कामयाब है सिवाय एक मौके के। जब उस्ताद अपने पास पढ़ने वाले बच्चों को यूं समझ ले कि मैं इन बच्चों से बेहतर हूं, तब वो उस्ताद नाकाम हो जाता है। अपने पास आने वाले मुरीदों से जो जिना में मुबतला हो, जो शराब में मुबतला हो, जो गुनाहों में मुबतला हो, शेख के दिल में यह आ जाए कि तू इससे बेहतर है, उस वक्त शेख भी अल्लाह की नजर से गिर जाता है। कई गुनहगार लोग वक्त के मशाइख के पास, मशाइख सूफिया के पास आते हैं और अपने गुनाह सुनाते हैं, हजरत फुला मौके पर यह गुनाह हो गया, फुला मौके पर यह गुनाह हो गया, फुला मौके पर यह गुनाह हो गया। उनके आंखें आंसू बहाती है, उसको पता भी नहीं होता, उनके आंसुओं का वास्ता देकर वो अल्लाह से अपने लिए मगफिरत मांग रहे होते हैं।
कि अल्लाह पाक ये तो गुनाह करके नादिम हो गया, कहीं ऐसा ना हो मैं नेकी करके अकड़ में आ जाऊं। मालदारी के तकब्बुर से नेकी का घमंड, ये मालदारी के तकब्बुर से बड़ा घमंड है। प्यारे नबी ने साफ ऐलान कर दिया, जिसके दिल में जर्रा बराबर, जर्रा बहुत बारीक चीज को कहते हैं, अरे जब सुबह में सूरज निकलता है और उसकी शुआओं में इंसान जरा गौर से देखता है तो करोड़ों की तादाद में वो छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट चीजें उसको नजर आती है, उससे भी छोटी चीज को जर्रा कहते हैं। कुरान और हदीस में ये जर्रा का लफ्ज आपको बहुत अहम मौके पर मिलेगा, जब ये फरमाया कि तू जो भी नेकी करेगा वो भी देखेगा, तू जो बुराई करेगा वो भी देखेगा, उस वक्त अल्लाह ताला साफ इस बात को इस्तेमाल फरमाया। हम उर्दू में भी जर्रा बोलते हैं, अरबी में भी इसको जर्रा कहा जाता है, फमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन खैरन यरा। ये कुरान करीम का साफ और सरी ऐलान है कि जो शख्स जर्रा बराबर नेकी करेगा वो भी देख लेगा, वमन यअमल मिसकाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो जर्रा बराबर बुराई करेगा ना वो भी देख लेगा, नेकी करने वाला भी देख लेगा, बुराई करने वाला भी देख लेगा। दुनिया में तो पता नहीं चल रहा है, दोनों बराबर लग रहे हैं, हाँ 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 हाँ, वो एग्जाम चल रही हो तो जिसने सही जवाब लिखा हो अभी उसकी तारीफ नहीं होती, जिसने गलत लिखा हो अभी उसकी कोई बुराई बयान नहीं करता, क्या बात है। एग्जाम रूम में बैठे हुए वो तो रिजल्ट के वक्त पता चलेगा, वो तो रिजल्ट के वक्त पता चलेगा। दुनिया में नेक लोग भी बराबर लगते हैं, गुनहगार लोग भी बराबर लगते हैं, क्या बात है, कई इम्तिहान चल रहा है। वो कल कयामत के दिन जब हिसाब किताब होगा और जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होगा और जब तेरा नामा अमल खुलेगा और उसमें एक एक मिनट के साथ और एक एक सेकंड के साथ हर चीज लिखी हुई होगी, इतनी बारीक बारीक बातें लिखी हुई होगी कि इंसान उस वक्त कहेगा हाय ये क्या हो गया, ये कैसा नामा अमल है जिसमें न कोई छोटी चीज छोड़ी है न कोई बड़ी चीज छोड़ी है। कितने अल्लाह वाले यूं कहते हैं कि हमारी उन अदाओं पर मग़फ़िरत हो गई जिनको करके हम भूल गए थे। एक शख्स का इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, कहा अल्लाह ने मग़फ़िरत फरमा दी, कौन सी अदा पसंद आई, कहा वो जो एक शख्स को दफनगिरी के लिए हमारा जाना हुआ था उनकी कब्र पे मैंने 3 मरतबा मिट्टी डाली, बस वो अदा पसंद आई और अल्लाह ने किया जा उस पर तुझे माफ कर दिया। एक बहुत बड़े मुहद्दिस थे, वो एक हदीस शरीफ लिखने जा रहे थे, एक मक्खी उनकी कलम पे आके बैठ गई तो वो मक्खी ने स्याही चूस ली और वो चली गई, तो इस अदा पे अल्लाह ने उनकी मग़फ़िरत फरमाई कि आपने हमारी एक मखलूक की प्यास का ख्याल किया था, हमने इस पर आपका भी ख्याल किया, जाओ इस अदा पर आपकी मग़फ़िरत फरमा दी। ज़ुबैदा खातून फरमाती है, मुझे ऐसा लगा था कि शायद नहरे ज़ुबैदा पर मेरी मग़फ़िरत होगी, लेकिन वो अमल अल्लाह को पसंद आया जो मैं करके भूल चुकी थी। मैं जर्रा समझाना चाह रहा हूं, जर्रा बताना चाह रहा हूं आपको, क्या मैं अपने आप से कहना चाह रहा हूं जर्रा किस चीज को कहते हैं। तो ज़ुबैदा खातून फरमाती है, अल्लाह ने पूछा ज़ुबैदा क्या लेकर आई हो, मेरी मोहब्बत में क्या करके आई। ज़ुबैदा अजीब गरीब सवाल, ज़ुबैदा मेरी मोहब्बत में क्या करके आई, तो मैंने कहा अल्लाह नहरे ज़ुबैदा बना करके आई, बहुत बड़ी नहर, नहरे ज़ुबैदा, लाखों इंसानों ने फायदा उठाया, परिंदों ने फायदा उठाया, जानवरों ने फायदा उठाया, कई हाजियों की उस नहर की बरकत से अल्लाह ने जान बचाई, इतना बड़ा काम करके आई। अल्लाह ने फरमाया ज़ुबैदा वो तो बैतुल माल के पैसे से बनी है, तू क्या करके आई मेरी मोहब्बत में। ज़ुबैदा खातून कहती है जब मेरे अल्लाह ने ये कहा उस वक्त मेरे दिल में एहसास हुआ, ज़ुबैदा आज तू पकड़ी गई, आज तू फंस गई, आज तू क्या मुंह बताएगी अल्लाह को। जब मैं डरने लगी, जब मैं सहम गई, उस वक्त अल्लाह ने फरमाया ज़ुबैदा तेरी ये कदा हमें पसंद आई थी, बारी ताला मेरी कौन सी अदा आपको पसंद आई, उस वक्त को याद कर जब तुझे सख्त भूख लगी थी, तू खाने बैठी थी, तेरे आधे सर तक दुपट्टा था, तूने लुकमा लिया अपने मुंह के करीब तक ले गई, इतने में अजान की आवाज़ आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे ही तूने अजान की आवाज़ सुनी, तूने मेरे नाम के अदब में उस लुकमे को नीचे रखा और अपने दुपट्टे को सही कर लिया। ज़ुबैदा ये अमल जो तूने किया ना वो मेरे लिए किया, तेरा ये अमल हमें पसंद आया और इसी अदा पर आज तेरा परवरदिगार तेरी मग़फ़िरत कर रहा है। मेरे अजीजों कौन सी अदा ना पसंद आ जाए कुछ पता नहीं है,
एक नेक इंसान थे, नमाजी थे, अल्लाह को राजी करने वाले थे, उनका इंतकाल हुआ। किसी ने ख्वाब में देखा, कहा क्या गुजरी, कहा अल्लाह को मेरी सारी अदा तो पसंद आई, एक चीज पे अल्लाह नाराज हो गए, बहुत सख्त नाराज हो गए, इतने नाराज हो गए कि कब्र में मुझे अजाब हो रहा है। कौन सी अदा ना पसंद आई, कहा मैं एक मरतबा पान खा रहा था, करीब से गधा गुजरा, हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के वो बुजुर्ग थे, नेक शख्स थे, का होली का दिन था तो मैंने गधे के ऊपर पान की पिचकारी ये कहते हुए मारी कि देख आज तो होली का दिन है, आज तुझे किसी ने नहीं रंगा ना, चल आज मैं तुझे रंग देता हूँ। ओहो, मैं भूल गया था, मेरे अल्लाह के वहाँ नाम अमाल में ये सब लिखा हुआ था, इसी अदा पर मेरी पकड़ हो गई। कब पकड़ हो जाए, कब माफ कर दें, कुछ पता नहीं है। एक शख्स ने पूरी जिंदगी कुरान पढ़ाया, इंतकाल का वक्त आया, कुरान शरीफ को हाथ में लिया और यूं कहा, नऊज़ु बिल्लाह, इस किताब पर मेरा कोई ईमान नहीं है, और वो बगैर ईमान के दुनिया से चले गए। अल्लाहुस्समद, अल्लाहुस्समद, अल्लाह बेनियाज है, ये वो आयत है जिसने अल्लाह वालों की रातों की नींदों को उड़ा रखा है। ये वो आयत है जो अल्लाह वालों को तकब्बुर से बचा लेती है, वो नेकी करके दरिया में डाल देते हैं, वो अपने आप को कुछ समझते ही नहीं है, दुनिया में सबसे कमतर वो अपने आप को समझते हैं, क्योंकि वो अपना मुकाबला दुनिया के इंसानों से नहीं करते। उनको पता है अल्लाह ने हमें इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा, ऊपर मकतब चल रहा हो, मैं इम्तिहान लेने के लिए चला जाऊं कि भाई चलो आ जाओ इम्तिहान दो, ट्रस्टी लोग कहेंगे मौलाना साहब कौन सा इम्तिहान, कहाँ का इम्तिहान, अरे मैं चूंकि मौलाना हूँ, मैं आलिम हुआ हूँ, इसलिए मैं इम्तिहान लेने आया हूँ, अरे भाई इम्तिहान दो, अरे मौलाना आप अपना काम करो बराए मेहरबानी, हमने आपको कभी नहीं बुलाया इम्तिहान लेने के लिए। मेरा अल्लाह यही समझाना चाहता है, मेरे बंदे दुनिया में तुझे अपनी इस्लाह के लिए भेजा है, इम्तिहान लेने के लिए नहीं भेजा है कि देख के आना जरा तेरी बस्ती में कौन नेक है, कौन बुरा है, कौन कैसा है, और उसके मुकाबले में अपने आप को थोड़ा कुछ अच्छा समझ के आना। ना ना ना, ए इंसान तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, ए इंसान तू किसी के ऐब को बेनकाब न कर, खुदा उसका हिसाब करेगा तू उसका हिसाब न कर। हमें तो अल्लाहु अकबर का तर्जमा याद रखना चाहिए, हम जब पैदा हुए थे दाहने कान में भी यही कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, बाएं कान में भी यही कहा था अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, याद रखना तू कुछ नहीं है। पांच वक्त मस्जिद की अजान से यही ऐलान होता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, तू कुछ नहीं है। मेरे अजीजों, नमाज में हम शुरू करते हैं अल्लाहु अकबर, रुकू में जाते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे से उठते हैं अल्लाहु अकबर, सजदे में जाते हैं अल्लाहु अकबर, कयाम करते हैं अल्लाहु अकबर, पूरी नमाज में देखो अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कौन बड़ा है, कहा तेरा अल्लाह बड़ा है, अरे अल्लाह बड़ा है, तू कुछ नहीं है। अपने आप को इंसानों से तुलना न करो, वरना प्यारे नबी की हदीस सुन लो जिसका खुलासा, जिसके दिल में जर्रा बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। जर्रा बड़ी छोटी चीज है, फमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन खैरन यरा, जो जर्रा बराबर नेक अमल करेगा वो भी देख लेगा। वमन यअमल मिसकाला ज़र्रतिन शर्रन यरा, जो जर्रा बराबर बुराई करेगा वो भी देख लेगा। आज सुबह में जब मैं सोकर उठा, मुझे फ़ोन आया, जब यहाँ आ रहा था उससे पहले, मौलाना साहब डाबेल में एक शख्स बहुत तंदुरुस्त थे, जवान थे। मैंने कहा हाँ, हम तो उनसे मिला करते थे, वो रात में सोए और एक बजे घर वालों को पता चला कि हरकत नहीं कर रहे, चेक किया तो पता चला कि इंतकाल हो गया है, इंतकाल हो गया है। हाँ 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 हाँ, हमारी ज़िंदगी हवा में रखे हुए चिराग के मानिन है। गुज़िश्ता कल एक मौलाना साहब का फ़ोन आया, मौलाना, मैंने बोला जी हमारे मोहतमिम साहब का इंतकाल हो गया है। मैंने कहा अच्छा, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, तो जाना तो हर एक को है। आज हम यही सोच में ज़िंदगी गुजारते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, थोड़ा इंतज़ार कीजिए, लोग थोड़े दिनों के बाद इन्ना लिल्ला कहेंगे, मेरी और आपकी, मेरी और आपकी इन्ना लिल्ला शेयर करेंगे, उस वक्त एहसास होगा काश लोगों को सामने न रखा होता, अल्लाह राज़ी हो जाए इसके लिए कोई अमल किया होता, आज मुझे काम आता। जो लोग शादी में खाना खिलाना खड़े होते हैं, क्या उनको खिलाने का सवाब मिलता है? तो आप कहेंगे हाँ हाँ, खिदमत का तो सवाब मिलता है मौलाना साहब, खिदमत से खुदा मिलता है। उनको पूछो किस नीयत से खड़ा है, वो यूं कहता है अगर खिलाने खड़ा ना रहा ना तो इनको बुरा लगेगा। उसका मकसद ये, इनको बुरा ना लगे, अल्लाह को भूल के काम कर रहा है वो। अरे जनाजे में क्यों शरीक हो रहा है, 5 किलोमीटर दूर क्यों जनाजे की नमाज पढ़ने जा रहे हैं?
नहीं जाऊंगा ना, मेरे उन रिश्तेदारों को खराब लगेगा। ये अल्लाह के लिए अमल नहीं है, ये उनके लिए। तू यूं कहता, हमारे करीबी रिश्तेदार है, इंतकाल हो गया है, मुसलमान का मुसलमान पर हक है, जनाजे की नमाज में जाना चाहिए, इसलिए मैं जा रहा हूँ। हाँ, अपने रिश्तेदार का खाना हो, आप खिलाने के लिए खड़े हो, मैं मना नहीं करता। अरे नीयत तो दुरुस्त कर लो, नीयत तो दुरुस्त कर लो। हमारे करीबी रिश्तेदार है, मुसलमान है, इनकी खिदमत करनी चाहिए, तो मैं इनके कामों में अपने हाथ को बटा रहा हूँ। नीयत सही होगी, सवाब मिलेगा। एक शख्स ने घर में बारी बनाई, खिड़की बनाई, और ये नियत की, हवा उजास आएगी, हवा उजास मिलेगी, सवाब नहीं मिलेगा। इस नियत से घर की बारी बनाई, घर की खिड़की बनाई, यहां से अजान की आवाज आएगी, हवा उजास फ्री में मिलेगा, लेकिन सवाब भी मिलेगा। घड़ी पहनना मबाह है, पहने तो सवाब भी नहीं, न पहने तो गुनाह भी नहीं। अगर इस नियत से घड़ी पहनी कि लोग देख के कहेंगे घड़ी बहुत खूबसूरत है मौलाना की, फरमाया हराम है, गुनाह होगा दिखलावे के लिए पहनना। अच्छा, अब इसको इबादत कैसे बना दे, सवाब कैसे बना दे, का सोच दुरुस्त कर ले यार, आखिरत याद रख ले, अल्लाह बड़ा है उसको दिल में बिठा दे, लोगों को अपने दिल से गिरा दे, ये दिल सिर्फ अल्लाह के लिए है। गिरा दे का मतलब, भाई ये लोग अपना काम करें, मैं अपना काम करूं, मुझे अल्लाह को राजी करना है। घड़ी इस नीयत से पहनी, नमाज के औकात देखूंगा, जब तक घड़ी हाथ में होगी सवाब का मीटर चालू रहेगा। ये चश्मा है, चश्मा पहनना मबाह है, पहने तो सवाब भी नहीं, न पहने तो गुनाह भी नहीं। और इस नियत से पहनता है, लोग कहेंगे ये बहुत नई नई फ्रेम में पहनता है, और लोग तारीफ करेंगे, तो ये पहनना इसके लिए वबाल होगा। अगर इस नियत से पहनता है, माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखूंगा, अल्लाह का कुरान पढ़ूंगा, अल्लाह की कुदरत में गौर व फिक्र करूंगा, जब तक चश्मा उसके ऊपर रहेगा सवाब का मीटर चालू होगा। मोबाइल रखना मबाह है, रखे तो सवाब भी नहीं, न रखे तो गुनाह भी नहीं। अगर इस नियत से रखा कि लोग कहेंगे कि ये तो एप्पल का फोन वहां पड़ता है, कहना पड़े मालदार लगता है, तब तो हराम हो जाएगा। अगर इस नियत से रखा है मोबाइल, मेरे माँ बाप का कुछ काम होगा तो कर दूंगा, बीवी बच्चों का कुछ काम होगा तो कर दूंगा, किसी को मसला पूछने की जरूरत, पेशाई मसला पूछूंगा, कहीं किसी को दीन की बात बता दूंगा, अगर अच्छी नीयत से मोबाइल रखा है सवाब का मीटर जारी है। यही हाल चप्पल का है, चप्पल पहनना, बोले पहन भी सकता है, नहीं भी पहन सकता, वो नंगे पैर चलना भी सुन्नत है, चप्पल पहनकर चलना भी सुन्नत है। अगर इस नियत से पहनता है, लोग कहेंगे वाह वाह इसके बूट तो बहुत अच्छे हैं, मेरे अजीजों लोगों के लिए कोई काम न करो, इसलिए चप्पल खरीदो, इसको पहन के मस्जिद में जाऊंगा, मुलाकातों में जाऊंगा, गश्तों में जाऊंगा, हर महीने 3 दिन अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, सालाना चिल्ला जाऊंगा, बार बार 4 महीने जाऊंगा, अंदरून जाऊंगा, बैरून जाऊंगा, अल्लाह वालों की मुलाकात में जाऊंगा, उलमा की मजलिस में जाऊंगा, अल्लाह वालों की सोहबत में जाऊंगा। मेरे अजीजों सारी बात का खुलासा यह है, ये खानकाही मजलिस है, अपनी नियतों की इस्लाह करने की जरूरत है। मैं बोल रहा हूं अपनी इस्लाह के लिए, आप सुनो अपनी इस्लाह के लिए, जिंदगी का ये टारगेट बनाओ कि मैं अपनी इस्लाह के लिए। एक जमात बैरून जा रही थी, एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, हजरत कुछ नसीहत कर दीजिए। हजरत ने फरमाया बेटा याद रखना, बैरून जाना है अंदरून बनाने के लिए। अरे बैरून जमात में भी अंदरून बनाने के लिए जाना है, तो मेरे अजीजों हम तो कहीं भी रहें अपनी इस्लाह की नीयत से रहें, अपने आप को गुनहगार समझ लीजिए, खुदारा अपने आप को बड़ा पापी समझ लीजिए, बहुत बड़ी बड़ी रहमतें मिलेगी। छोटा बन के रहोगे ना तो बहुत कुछ मिलेगा, बड़े बनने पर तो माँ भी गोद से उतार दिया करती है। तराजू का भारी पदड़ा झुका हुआ होता है, जिस शाख पे फल हो वो शाख झुकी हुई होती है, पहाड़ पे चलने वाला झुकता हुआ चढ़ता है। इंसान जो अल्लाह तक पहुँचता है तवाजू से, आजीजी से, आजीजी व इंकिसारी में कैसी लज्जत है ये रईस व नवाब क्या जाने। अल्लाह वाले कहते हैं पूछो मज़े हमसे फ़कीरी के, ये शेख आली जनाब क्या जाने। उस्ताद को चाहिए तलबा से अपने आप को कमतर समझे, शेख को चाहिए मुरीदीन से अपने आप को कमतर समझे। वो गुनहगार है, वो बुरे नहीं है, उनका गुनाह बुरा है। कल को तौबा करके अल्लाह के वली बन के आपसे ज्यादा महबूब हो सकते हैं। हम जिसको बुरा समझ रहे हैं, क्या पता वो अल्लाह की नज़र में हमसे ज्यादा बेहतर हो, वो अल्लाह की नज़र में हमसे ज्यादा प्यारा हो। तो मेरे अजीज़ों एक चीज़ का एहतमाम करो,
गुनाहों से बचने की अनहद कोशिश करो, पूरी कोशिश करो। मौलाना माहौल ऐसा है मैं बच नहीं सकता, ठीक है फिर जब अल्लाह के सामने खड़ा हो उस वक्त कह देना अल्लाह आपने ऐसे माहौल में क्यों पैदा किया जहाँ गुनाहों का माहौल था मैं बच रह सका। क्या ये जवाब दे सकेंगे? ना ना ना, आज मौका है, ये सब अल्लाह वाले हमारे सामने बच रहे हैं गुनाहों से, हम भी बचने की कोशिश करें। आज तक नजरें उठाने का मजा चखा, जरा झुकाने का भी मजा चख कर के देखे, बोलने का मजा चखा, जरा खामोश रहने का मजा चख कर के देखो। अरे वक्त मिला है हजार दफा अल्लाह 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 पढ़ो, अल्लाह की अजमत दिल में उतरेगी, अल्लाह की बड़ाई दिल में उतरेगी, अल्लाह की मोहब्बत दिल में उतरेगी। असर की नमाज खत्म हो, दिल में खुशी होनी चाहिए, अब अल्लाह को याद करने का वक्त आया है। अल्लाह 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 अल्लाह, मौत के वक्त अल्लाह अल्लाह बोलता हुआ जाएगा, अल्लाह की बड़ाई आएगी, नमाज में ध्यान लगेगा, अल्लाह का इस्तेहजार नसीब होगा और मौका मिले आखिरी बार एक हजार मरतबा दुरूद शरीफ भी पढ़ लेना रोजाना। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 40,000 इनाम मिलेंगे, अल्लाह 10,000 रहमतें अता फरमाएंगे। नंबर दो, अल्लाह 10,000 दर्जात बुलंद फरमाएंगे। नंबर तीन, अल्लाह 10,000 नेकियां अता फरमाएंगे। नंबर चार, अल्लाह ताला 10,000 गुनाहों को मुआफ़ फरमाएंगे। ये सारी तो बातें थी, बातों से तो ज़िंदगी बनती नहीं, बातें तो और भी बहुत आपको मोबाइल पे मिलेगी, बयानात भी आपको बहुत मिलेंगे, आप सुनेंगे भी बहुत, फ़ज़ाइल आमाल में भी अच्छी बातें हैं, इससे वक्ती तौर पे अच्छा लग जाता है, फ़ायदा हो जाता है, वक्त अच्छी जगह गुजरा, इससे ज़िंदगी बनती नहीं, न बोलने वाले की न सुनने वाले की। ज़िंदगी तो बनती है अमल करने से, ये अच्छी बातों पर अमल करने से। तो तय करो इंशाल्लाह, कोई करे ना करे मैं अमल करूंगा, कोई अमल करे ना करे मैं अमल करूंगा। जो ईमान वाले चले गए दुनिया से, हर नमाज के बाद 3 मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के उनको सवाब पहुंचा दिया करो। आज किसी को ईसाले सवाब करेंगे, कल को कोई हमारे लिए भी ईसाले सवाब करेगा। जो दुनिया में लोग मौजूद हैं, ए अल्लाह पूरी दुनिया वालों को और उनकी कयामत तक की आने वाली नस्लों को अपने खजाने गैब से ईमान दे दे। तड़पो तो सही, नबी वाली फिक्र रखो तो सही, अल्लाह सबको हिदायत दे दे। फिक्र नबी जिसके सीने में है वो मदीने में न होकर भी मदीने में है, फिक्र नबी जिसके सीने में नहीं है वो मदीने में होकर भी मदीने में नहीं है। गनीमत समझ जिंदगी की ये बहार, कि आना न होगा यहाँ बार बार, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, मरा बैल घास खाता नहीं, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं, जिंदगी हो रही है मिसले बर्फ के कम, रफ्ता रफ्ता चुपके चुपके दम बदम, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो तो कल हमारी पारी है। आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।